हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। एंड आज हम पढ़ेंगे अबाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्रीन हाउस गैसेस। सो बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है, सो जिसको कवर करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर ग्रीन हाउस गैसेस? ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझने के लिए ग्रीन हाउस गैसेस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ग्रीन हाउस गैसेज क्या होती हैं? ये वो गैसेज होती हैं जो अर्थ के एटमोसफेयर में ऑलरेडी प्रेजेंट होती हैं, और ये क्या करती हैं? हीट को ट्रैप कर लेती हैं। ठीक है, सो बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। उनमें से जो प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो कौन कौन सी होती हैं? वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड ओजोन। सो ये जो गैसेज हैं ये प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेज हैं। इसके अलावा जो और ग्रीन हाउस गैसेज प्रेजेंट होती हैं वो कौन सी हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, फ्लोरिनेटेड गैसेज, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ब्लैक कार्बन जिसको हम सूट भी बोलते हैं, एंड ब्राउन कार्बन। सो ये सारी की सारी जो है वो क्या है? ग्रीन हाउस गैसेज हैं। ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं एंड जो हीट होती है उसको क्या कर लेती हैं? ट्रैप कर लेती हैं। नाउ ये गैसेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये क्या करती हैं? इट लीड्स टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट जब होगा, ठीक है, सो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रीन हाउस इफेक्ट भी, फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन दिस अर्थ। ठीक है, अब ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट को हम क्या बोलेंगे कि जितनी भी ये जो गैसेस प्रेजेंट हैं वो क्या करती हैं? सन की हीट को क्या करती हैं? ट्रैप कर लेती हैं एटमॉस्फेयर में। ठीक है, और यही जो ट्रैप कर लेती हैं ये क्या करती है? अर्थ के सर्फेस को इंसुलेट करके रखता है एंड उसको फ्रीजिंग से प्रिवेंट करता है, एकदम से फ्रीज नहीं होने देता है। ठीक है, अर्थ को, क्योंकि रात में क्या है? रात में क्या होता है कि एकदम से सनलाइट है नहीं, अर्थ का सरफेस वार्म कैसे रहेगा? वो तो फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, सो उसको, अर्थ के सरफेस को वार्म रखने के लिए ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो मेजर रोल प्ले करती हैं। जैसे सुबह क्या है, सोलर रेडिएशन आती है, वो अर्थ के सरफेस को वार्म कर देती है। फिर उसके बाद क्या होता है, अर्थ का जो सरफेस है वो कुछ एनर्जी जो है वो क्या कर देता है? रीएमिट कर देता है एज इंफ्रारेड रेडिएशंस। अब ये जो रेडिएशंस होती है उनका कुछ पोर्शन जो है वो वापस स्पेस में चला जाता है, लेकिन कुछ पोर्शन जो होता है वो कौन? ये गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस जो है एटमॉस्फेयर में, ये ट्रैप कर लेती हैं। ठीक है, और फिर ये अर्थ को क्या करती हैं? एकदम से वार्म जो है वो रखती है। लेकिन अभी ह्यूमन एक्टिविटी इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, ठीक है, कि ग्रीन हाउस गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई है एटमॉस्फेयर में। ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होने के कारण वो ज़्यादा हीट ट्रैप कर लेते हैं एंड इसकी वजह से क्या हो रही है? हमारी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। मीन्स अर्थ का जो एवरेज सर्फेस टेम्परेचर है उसमें क्या आ रहा है? इंक्रीज आ रहा है। सो इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट के कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं? पहला तो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, हम इतने सारे फॉसिल फ्यूल्स बर्न करते हैं। ठीक है, अब फॉसिल फ्यूल्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा पर्पसेस के लिए बर्न होते हैं, लाइक फायर के लिए हो रहा है, देन इंडस्ट्रीज़ में हो रहा है। सो ये क्या है? ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? एमिट करता है लार्ज अमाउंट्स में इनटू द एटमॉस्फेयर, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मीन्स इलीगल आप पेड़ों को काट रहे हो बहुत ज़्यादा, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे एंड ऑक्सीजन दे नहीं पा रहे, सो इट इज़ ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स द ग्रीन हाउस इफेक्ट। देन नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे फार्मिंग। ठीक है, फार्मिंग में क्या है? फार्मिंग प्रैक्टिसेस में नाइट्रस ऑक्साइड यूज़ होता है, विच इज़ ऑल्सो अ ग्रीन हाउस गैस, और फिर वो ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या कर रहा है? कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। देन नेक्स्ट आ जाते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड लैंडफिल्स। अब जितना भी इंडस्ट्रियल वेस्ट है, लैंडफिल्स है, इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा हार्मफुल पॉल्यूटेंट, बहुत ज़्यादा गैसेस जो हैं वो क्या आती हैं? बाहर आती हैं, अगेन वो एटमॉस्फेयर में जा रही हैं, एंड क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। लैंडफिल्स से भी बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो क्या हो रही हैं? एमिट हो रही हैं। अब आते हैं इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, सॉरी, हाँ, क्या इसके इफेक्ट होते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट के क्या इफेक्ट्स होते हैं? सो पहला है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, सबसे बेसिक इफेक्ट ही है ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि क्या है? अर्थ का जो भी एवरेज टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। हीट जो है वो ज़्यादा अमाउंट में ट्रैप हो रही है, सो उसकी वजह से जो हमारा ग्लोबल अर्थ का टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। सेकेंड, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। अब ओजोन लेयर हमारे लिए किस लिए इंपॉर्टेंट है? ओजोन लेयर क्या करती है? सन की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज को क्या करती है? वो उसको अल्ट्रावायलेट रेज से हमें प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, तो अब अगर ओजोन लेयर डिप्लीट होगी तो डायरेक्ट यूवी रेडिएशंस क्या हैं? अर्थ पर आएंगी एंड वो क्या है? हमारी बॉडी को, स्किन को डैमेज कर सकती हैं, या ह्यूमंस में कई बार म्यूटेशंस भी जो है वो कॉज कर सकती हैं। सो
वो जो है वो एक और इफेक्ट है ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। नेक्स्ट स्मोग एंड एयर पॉल्यूशन, ठीक है, बिकॉज इतना ज़्यादा एयर पॉल्यूशन हो रहा है। स्मोग होता क्या है, फॉग और स्मोक मिलके क्या बनते हैं, स्मोग बनते हैं। सो एयर पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इतनी ज़्यादा ह्यूमन एक्टिविटी लाइक इंडस्ट्रीज हैं, ऑटोमोबाइल्स चल रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि इसमें कॉन्ट्रीब्यूट कर रही हैं, एयर पॉल्यूशन एंड स्मोग में कॉन्ट्रीब्यूट कर रही हैं। नेक्स्ट एसिडिफिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज, अब इतनी सारी पॉल्यूटेंट्स हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ये गैसेस प्रेजेंट हैं, तो जब भी रेन आती है, बारिश आती है, तो ये क्या है, बारिश के साथ मिलके क्या बना देते हैं, एसिड रेन की फॉर्म में क्या है, नीचे आ जाते हैं एंड जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं वो क्या हो जाती हैं, कंटेमिनेट हो जाती हैं। प्लस जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं या जो भी लैंड है, यहाँ पर फर्टिलाइजर्स यूज़ करें, इंडस्ट्रीज़ में केमिकल यूज़ करें, वो किसी न किसी वे से वाटर बॉडीज़ में चला जा रहा है, जिसकी वजह से अगेन वाटर बॉडीज़ क्या हो रही हैं, इफेक्ट हो रही हैं। सो ये कुछ इफेक्ट्स हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के। सो ये था आज का हमारा लेक्चर एंड आई होप आपने इंजॉय किया होगा। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना नेक्स्ट आप किसके बारे में पढ़ना चाहेंगे, हम वही नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। एंड तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय।